एक मन में सोच आना कि मेरे देश के हर शहर में, हर नगर में, हर गांव में, हर कस्बे में, घर घर में एक हाई क्वालिटी मेडिसिन एक अफोर्डेबल प्राइस पे पहुंचनी चाहिए, तो वो सोच आना ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन वो काम एक आसानी से करके दिखाया अर्जुन सर ने, जेनरिक आधार की स्थापना करके उनके उम्र के 16वें साल में। और ये जो उनका महान कार्य है, वो महान कार्य मिस्टर रतन टाटा सर, जो आज भारत के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए भगवान है, उन्होंने देखा, उन्होंने उनका जो मतलब वो उम्र में वो जो काम करते थे वो अक्स उन्होंने अर्जुन सर में देखा, और आज उन्होंने अर्जुन सर को अपना यंगेस्ट बिजनेस पार्टनर बनाया। और इनके महान कार्य को लोगों ने इतना सम्मानित किया कि पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया ने उनको एक फार्मा वंडर किड का किताब दिया। हाल ही में मिड डे ने उनको रॉबिन हुड ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री ये किताब भी दिया। आज बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जो है, जैसे कि टेडेक्स हुआ, टेडेक्स IIT, वहाँ पे उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप से बुलाया जाता है कि वो वहाँ पे आके बाकी लोगों को मार्गदर्शन करे। जो इंटरनेशनल मैगजीन्स है, जैसे फोर्ब्स हुआ, ब्रूट हुआ, उन्होंने भी सर के इंटरव्यूज लिए। तो ये कार्य जो है ये अभी आज की डेट में अपने भारत देश में पूरी तरह से फैल चुका है। जेनरिक आधार जो है ये अभी 200 के ऊपर शहरों में भारत में पहुंच चुका है, और जल्दी ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने वाला है। सर, ये क्या कहना चाहेंगे, आज ओपनिंग में पहुंचे हैं, और ये किस तरह के दवाइयां हैं और क्या है इनका आधार, क्या है? आज जेनरिक आधार जो पूरे इंडिया में काम कर रही है एक ही मिशन के साथ में, कि लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन का लाभ मिलना चाहिए। दवाइयाँ जो होती है आज सबको एक जन जागृति हो रही है कि महंगी दवाइयाँ और जेनरिक दवाइयाँ ये दोनों अंदर से गुणवत्ता के तौर पे सेम होती है, बट जो मार्केटिंग किया जाता है MNC कंपनी के द्वारा, तो वो जो प्राइस है 10 रुपये का चीज़ जो है वो हज़ार रुपये में MNC कंपनी द्वारा बेचा जाता है। आज हम लोग पूरे इंडिया में एक अवेयरनेस कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कर रहे हैं, जेनरिक मेडिसिन को सपोर्ट कर रहे हैं। आज जेनरिक आधार पूरे इंडिया में एक ही मिशन के साथ में कि 130 करोड़ लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन का लाभ होना चाहिए, इसी के लिए आज हम लोग पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी के माध्यम से हम लोग स्टोर हमारे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा जो ग्राउंड प्रेजेंस है वो हम लोग बढ़ा के एंड कस्टमर और जो सीनियर सिटीजन्स जो कि पेंशन होल्डर्स है, आज उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हम लोग दे रहे हैं। आज हम लोग ने अंधेरी में, वर्सोवा में हम लोग ने हमारे फ्रेंचाइजी की शुरुआत की, जो कि दोरा जी इन्होंने फ्रेंचाइजी ली है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मतलब उनके फार्मासिस्ट है, अभी बहुत बड़े पैमाने पे डॉक्टर जेनरिक आधार के साथ में जुड़ते हुए जा रहे हैं, फ्रेंचाइजी के माध्यम से फार्मासी जुड़ते हुए जा रहे हैं, अलग अलग बिजनेस ओनर जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो एक इकोसिस्टम बना के हम लोग पूरे इंडिया में क्रांति लाने का एक हम लोग काम कर रहे हैं। मुंबई में कितने आपके सेंटर हैं, अगर दुकानों की बात करें? अभी हम लोग मुंबई में तो अराउंड हमारे बहुत ज़्यादा सेंटर हर एक एरिया में, अभी स्टेशन वाइज हमारे बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में अगर हम लोग ने देखा तो 70 से ऊपर सिर्फ मुंबई में, और पूरे इंडिया में तो अभी 200 शहर से ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। तो हर एक सिटीज़ में हम लोग हमारा प्रेजेंस अभी बढ़ाते जा रहे हैं। अभी मुंबई में आने वाले समय में 500 से ज़्यादा जेनरिक आधार के फ्रेंचाइजीज उपलब्ध होंगे आम जनता के लिए, और वहाँ से सीनियर सिटीजन अप टू 80% तक का लाभ ले सकते हैं। सर, 10 रुपये की दवाई निकलती है और पहुँचते पहुँचते हज़ारों तक हो जाती है, लेकिन आम पब्लिक को पता नहीं रहता है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी या कलाकार जो ऐड करते हैं, वो सारा उसी से निकाला जाता है। अभी मुझे बताइए, अगर जो MNC कंपनीज जो है वो ऐड करती है, प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड डालती है, तो उसका पैसा जो है वो एंड कस्टमर से लिया जाता है। तो ये जो बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है, जो हम लोग आज पूरे इंडिया के लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ से जब प्रोडक्ट निकलता है वो जेनरिक के तौर पे निकलता है, बट अगर उसके ऊपर कोई ब्रांड का नाम लगा दिया तो 10 रुपये का प्रोडक्ट 1000 में बिकने वाला है। आज हम लोग जो अलग अलग माध्यमों से जो अवेयरनेस कर रहे हैं, टेडेक्स के प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस कर रहे हैं कि जो मेडिसिन होती है वो अंदर सेम होती है। तो मार्केटिंग ब्रांड को देख के ना मेडिसिन ली जाए, उसका फॉर्मुलेशन, अगर मतलब कोई भी फार्मासिस्ट होता है उसका एग्जाम होता है तो उसको क्वेश्चन आता है कि अगर किसी को फीवर होगा तो आपको क्या लिखना है, नहीं तो क्या देना है, तो वो पैरासीटामोल लिखता है। बाद में हम लोग कोई पर्टिकुलर ब्रांड को नहीं प्रमोट कर सकते, तो पैरासीटामोल ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है मेडिसिन का कंपाउंड है, हम लोग आज जेनरिक आधार हर एक मॉलिक्यूल अंडर वन रूफ हम लोग लोगों तक पैरासीटामोल के जरिए, जेनरिक नेम के जरिए पहुँचाने का काम कर रहे हैं। 3000 रुपये का इंजेक्शन है, अभी हाल ही में कोरोना में बहुत सारी चीज़ें लोगों को मालूम पड़ी, दवाई जो नहीं भी लेते थे बीमार हो गई, दवाई क्या चीज़ है, इतनी महंगी है, 3000 रुपये का इंजेक्शन 3-3 लाख रुपये का बिका है। तो इसमें आपकी कंपनी जो जैसे जो मोदी जी ने शुरू किया है जेनरिक आधार, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस बारे में?
जेनरिक आधार में कोविड के टाइम में अगर आपको सबको हम लोग ने याद होगा कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो बहुत बड़े पैमाने पे डिमांड में था, हर एक इंसान को वो जीवन बचाने के लिए वो लग रहा था। उसमें अगर आपने देखा हो कि ड्रग माफिया जो बोल सकते हैं, नहीं तो जो ब्लैक मार्केटिंग बोल सकते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा था। ये चीज़ सब रोकने के लिए 3-3 हज़ार का चीज़ 3-3 लाख रुपये में बेच रहे थे लोग। ये जब मैंने देखा तो हम लोग ने हज़ारों रेमडेसिविर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, मुंबई पुलिस को हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, कोरोना के किट हो, सीनियर सिटीजन को हम लोग ने रेमडेसिविर। ये मैंने क्यों किया तब के टाइम पे बहुत सब मीडिया में आया था, क्यों किया, क्योंकि वो हमको वो ब्लैक मार्केटिंग के लोगों को दिखाना था कि ये टाइम जो है कोरोना का पैसे कमाने का नहीं है, कोई लोगों को सर्व करने का है। तो आज हम लोग रेमडेसिविर का भी अगर नाम लेते तो ये भी एक जेनरिक नेम ही है, तो उसको भी कोई ब्रांड की तरह से प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो आज हम लोग एक आम जनता को हम लोग अवेयर करके काम कर रहे हैं कि आज जाके आप मेडिकल में आप जेनरिक मेडिसिन के बारे में पूछो, उनसे वो चीज़ मांगिए, तो आज वही चीज़ से आपको 80% डिस्काउंट रेट तक हम लोग पहुँचाने का काम। थोड़ा सा बवाल हुआ था कि थोड़ा अलग हटके सवाल है, किसी को कंट्रोवर्सी में नहीं लेना चाहते हम, कि रामदेव ने कहा था कि इंग्लिश दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, इंग्लिश दवाइयाँ जो है काफ़ी बवाल हो, डॉक्टर के ऊपर सवाल उठाए थे, तो अपनी जो दवाइयाँ हैं इंग्लिश में आती है, देसी में आती है, होम्योपैथी में किस में आती है? जेनरिक आधार जो आत्मनिर्भर भारत के लिए, हम लोग इंडिया को हम लोग फार्मास्यूटिकल का हब कहा जाता है पूरे वर्ल्ड का। आज सबसे ज़्यादा 1/3 जो मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोडक्ट्स का वो इंडिया से अलोन होता है सबसे ज़्यादा मेडिसिन का एक्सपोर्ट। आज इंडिया के ऊपर बहुत फार्मास्यूटिकल का जो डिपेंडेंसी है वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा है। आज जेनरिक आधार के माध्यम से हम लोग जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चर से जो WHO GMP है उनको बहुत ज़्यादा, अगर आपने पूरा जेनरिक आधार का प्रोडक्ट रेंज देखा होगा जो भी जिसके ऊपर जेनरिक आधार आता है, हम लोग मेड इन इंडिया जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है हम लोग इंडियन मैन्युफैक्चर से लेते हैं। अभी आयुर्वेदिक की जो चीज़ है वो तो डेफिनेटली एक हमारे पुरखों से आती है, वो अच्छी चीज़ है, पर जो जेनरिक मेडिसिन से जो हमारे नॉर्मल मेडिसिन है, आज इंडिया के पास में दैट प्रोडक्टिविटी है लोगों को जल्दी से जल्दी उसका बीमारी ठीक किया जाए, कैंसर तक के प्रोडक्ट हम लोग जेनरिक आधार के माध्यम से हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में ला रहे हैं, तो एक आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लोग बहुत अच्छे से सपोर्टिव है। सर एक सवाल है, काफ़ी बड़ा है, अगर बात करें कोई आपसे जुड़ना चाहता है, मान लो स्टोर खोलना चाहता है मैं या कोई भी, तो कैसे यहाँ तक पहुँचेगा? आज जेनरिक आधार हर एक को एक संधि दे रहा है फ्रेंचाइजी लेने की। आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी हर एक को, हम लोग एक हाउस वाइफ से लेके हम लोग बड़े बड़े बिल्डर कोविड के टाइम में जिनका बहुत अच्छा अच्छा बिजनेस सेटअप था उन्होंने भी जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी ली। आज हमारे जो यहाँ पर जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली है ये भी आज उनके खुद का एंटरप्रेन्योर बनने का हम लोग ने एक मौका दिया। तो जैसे बहुत फार्मासिस्ट और डॉक्टर ने, तो एक सामान्य इंसान भी जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं हमको कॉन्टैक्ट करके, उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोग देने का प्रयास करें। और इसमें कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं, आप एक छोटा सा आपका सेटअप हो, आपका खुद बिजनेस एंटरप्रेन्योर। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक से शुरुआत की एक फ्रेंचाइजी से, आज उन्होंने उसमें 4-4, 5-5 स्टोर खोल लिए। तो एक छोटे से शुरुआत करके आप बड़ा कर सकते हैं, पहले दिन ही बड़ा होने का ये कुछ ये नहीं है। मैंने भी एक मेरा सफ़र 16 साल की उम्र में चालू किया, सिर्फ देखते देखते 2-3 सालों में हम लोग ने पूरे बिजनेस में क्रांति ले आई फार्मा इंडस्ट्री में। तो छोटा से शुरुआत करिए बड़ा का सपना लेके। कहा जाता है कि कुछ अमाउंट है इसमें, वो अमाउंट भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलता है, नहीं ऐसा कुछ है, वो क्लियर करना चाहेंगे आप कि अगर आपको शॉप खोलना है तो आपके लिए कुछ ऐसा खुद की जगह होनी चाहिए, खुद 2-3 लाख रुपए का, तो उस पर भी लोन होता है, उसके बारे में क्या है जो आम आदमी इस चीज़ को खोल सके? अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आ रही है जहाँ पर जिनको खुद एंटरप्रेन्योर बनना है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। आज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत सपोर्टिव है, और जेनरिक आधार मतलब लोन वगैरह हम लोग नहीं प्रोवाइड करवाते, बट जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के उनकी तरफ से डेफिनेटली उनको इंडिविजुअल लेवल पे मिलने का डेफिनेटली एक हम लोग गाइड कर सकते हैं उनको, और वही चीज़ से लेके हम लोग हमारा जो सेटअप है हम लोग मिनिमम कॉस्ट में जेनरिक आधार हम लोग फ्रेंचाइज देने का प्रयास करें। सर लास्टली हम चाहूँगा कि फार्मा कंपनीज इतनी बड़ी है उनसे क्या चैलेंज है आपको, क्योंकि वो रूल कर दी काफ़ी सालों से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इतने सालों से रूल कर रही है मैनकाइंड या और भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उनका अगर कंपटीशन हो इससे तो फिर कैसे वो आप ओवरटर्न करेंगे उस चीज़ को? आज जेनरिक आधार जो है ना लोग हमारे साथ में जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। आज क्या हो रहा है, लोगों का जो अवेयरनेस है, आज बड़े बड़े MNC कंपनीज हो जो इतने सालों से हमारे देश के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, हमारा जो पैसा है वो इंडिया से ले रहे हैं और आउट ऑफ इंडिया से प्रॉफिट भेज दे रहे हैं। तो आज जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हमारा इंडिया का पैसा इंडिया में रखे, हमारे मैन्युफैक्चर को लोकल मैन्युफैक्चर को सपोर्ट करें। आज क्या होता है MNC जो कंपनीज हम लोग जब बात करते हैं तो MNC कंपनीज उनका सिर्फ नाम लगाती है, बनाती भी हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग से, बट जो
प्रॉफिट है वो सब आउट ऑफ इंडिया लेके जाते हैं, तो हमारे लोगों से पैसा निकाल के आउट ऑफ इंडिया लेके जा रहे हैं। वो चीज़ बंद करने के लिए हम लोग हर एक MNC कंपनीज को आज हम लोग एक आह्वान दे रहे हैं, और लोग आज हमारे साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। एक लोगों का ब्लेसिंग्स मुझे मिलता है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ सीनियर सिटीजन जो रहते हैं वो सर के ऊपर हाथ रख के बोलते बेटा आप जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये सब छोटा छोटा बात हमारे लिए बहुत मैटर करके हम लोग आज बढ़ने का काम कर रहे हैं। सर आप मेरा नाम है बुलेश्वर दोरा है। मुझे जेनरिक आधार के बारे में मैं इंटरनेट में देखा, बहुत सुना, और सर के बारे में तो बहुत कुछ सुना मैंने। मैं बोला इतने कम उम्र में इतना कैसा कर दिया। मैं बहुत सर्च किया, 4 महीना लगा मुझे सर्च करते करते करते, लास्ट मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन मुझे लास्ट में जेनरिक आधार ही पसंद आया। मुझे बहुत सारे जेनरिक कंपनी मुझे मतलब अपना फ्रेंचाइज लो मैंने सब कुछ मैंने देखा सुना। उसके बाद मैंने जाके सर का डिटेल पढ़ा, फिर मैंने जाके मुंबई जो है काफी बड़ा शहर है, इसमें 3-4 चुप होएगा पूछ ले आप पूछ लो छोड़ हां वाली यार मेंटल आदमी है। नहीं सर भोपड़ी चेन है वेलनेस सर, कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन जेनरिक आधार के बारे में जो सुना था कि जो रतन टाटा जैसे इतने बड़े हस्ती जो इनके हाथ जुड़े हैं, तो फिर उसमें कोई कंपटीशन मुझे नहीं लग रहा है कि कंपटीशन रहेगा। बैकग्राउंड देखिए, मुझे मेडिसिन मुझे पहले से पसंद है। मैं जब 10वीं पढ़ता था तभी से एक मैं डॉक्टर के पास जाके थोड़ा बहुत सीखता था, ये करता था, मेडिसिन में पता है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन के लाइन नहीं जा पाया, एक पैथोलॉजी लाइन में गया। फिर भी मैं मेडिसिन से साथ जुड़ा हुआ, शायद साइड पे या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ। बाद में मुझे मेडिसिन स्टोर खोलने के लिए इच्छा हुआ, बाद में सर का नाम सुना, साहब सर का जेनरिक आधार के बारे में सुना, फिर मैंने ट्राई किया खोलने के लिए। जाके 4 महीना मुझे लगा, मतलब प्रोसेस करते करते हर चीज़ें करते। अर्जुन जी एक सवाल है, आम आदमी अगर खुलना चाहता है तो दिमाग में ये सवाल आता है मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मैं तो कोर्स नहीं किया मैंने, तो वो क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या लगता है? आज जैसे कि मैंने बोला कि हम जेनरिक आधार जो है फार्मासिस्ट के साथ साथ में हम लोग एक आम जनता मतलब एक इंडिविजुअल आदमी को जो है हाँ, वो किसी दूसरे के लिस्ट पर चला सकता है, फार्मा के लिस्ट पे नहीं चलता है, एक अपॉइंट करना पड़ता है। आज जैसे इन्होंने जो फ्रेंचाइजी लिया है यहाँ से, उन्होंने फार्मासिस्ट को एम्प्लॉयमेंट भी दिया। आज जेनरिक आधार बिजनेस का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आज हम लोग इंडिया में, पूरे इंडिया में 3,000 से ज़्यादा हम लोग ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट माध्यम से जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए। अभी हम लोग क्यों कर पा रहे हैं, हम भी जैसे इनके जैसे एक बिजनेस ओनर है, ये इनका खुद का मेडिकल इनके पास में, जिनके पास में खुद का दुकान ले सकते हैं, ये लोग दुकान डालते हैं और एक फार्मासिस्ट अपॉइंट कर दे जो कि उनका डेली जो नीड्स है, नहीं तो कस्टमर को जो मेडिसिन देना है, क्योंकि फार्मासिस्ट होता है वो ऑथोराइज पर्सन होता है कि मेडिसिन देने के लिए, तो उनको अपॉइंट केयर के हम लोग लाइसेंस के मतलब FDA का लाइसेंस होता है, वो प्रोसेस फॉलो करके आप आपका मेडिकल जेनरिक आधार का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। सर बॉम्बे से अलग और कहाँ कहाँ? पूरे इंडिया में अभी 200 से ज़्यादा शहर में अभी हम लोग ने 150 सिटीज़ हम लोग ने लॉन्च किया, अभी 200 सिटीज़ में अभी हम लोग प्रेजेंट है। तो हर एक छोटे से शहर से लेके बड़े बड़े शहर तक जेनरिक आधार आज पहुँचा हुआ है। थैंक यू।